हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और यहाँ से इस वीडियो से एप्टीट्यूड सीरीज की वीडियोस में स्टार्ट करने वाला हूँ और कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए फटाफट से सारी वीडियोस को मैं अपलोड कर दूँ, बना लूँ और आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, अगर आपको जॉब वगैरह इसमें इंटरेस्ट है, जॉब के नोटिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ पे आपको जो ये कार्ड पे लिंक मिल जाएगी, ये वीडियो आप देख लीजिए सारी चीज़ें। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो देख लेना। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड की कि कहाँ जाके आपको मेरी वीडियोस जॉब नोटिफिकेशंस की मिलेगी। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को हम शुरू करते हैं। नाउ एप्टीट्यूड के बारे में मैंने ऑलरेडी सारी चीजें बता दी है। ठीक है, एप्टीट्यूड में यहाँ पे हम गेट पे गेट एग्जाम है, हमारा मेन फोकस तो अभी गेट एग्जाम है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई और एग्जाम्स दोगे तो भी काम आएगा। सो ये पार्ट को जरा भी मिस मत करना, एप्टीट्यूड वाला पार्ट हर जगह पे काम आएगा। नाउ टॉपिक्स जो होंगे वो मैं वेटेज वाइज उठाऊंगा, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले लूंगा। लाइक जैसे इस वीडियो में मैं आपको टाइम एंड वर्क एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो फटाफट से यही वीडियो को पूरी देखना, आप एक भी पार्ट इसका मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नाउ टाइम एंड वर्क के बारे में बात करते हैं। आपने ज्यादातर देखा होगा कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 पीपल्स ने एक काम को 100 यानी 10 दिन में कंप्लीट किया। अब आप फाइंड करो कि 35 पर्सन ने वही काम को कितने दिन में कंप्लीट किया, या फिर ऐसा था कि ए ने एक काम इतने दिन में कंप्लीट किया, बी ने एक काम इतने दिन में कंप्लीट किया, और दोनों मिलके अगर ये काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो यही क्वेश्चंस को मैं फटाफट से, मतलब आपको किस तरह से एक मिनट में सॉल्व करना है वो दिखाने वाला हूँ। नाउ टाइम एंड वर्क के सम्स हम सॉल्व करेंगे, तो टाइम एंड वर्क सॉल्व करने से पहले, इसके सम सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो डिस्कस करने जैसी है वो मैं बता दूंगा। लाइक क्वेश्चंस जनरली कैसे दिए होते हैं कि आपको एक पर्सन दिया हुआ है, ऐसा ये काम करता है, अभी मैंने जैसे डिस्कस किया टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जनरली या तो पूरा काम दिया हुआ होता है या फिर वो कितना काम, कितने दिन में वो काम करता है वो दिया होता है। तो उसी को लेकर चलते हैं कि अगर एक पर्सन है और वो काम वो 10 दिन में कर लेता है, मतलब एक पर्सन एक किसी भी एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देता है, तो वो 10 दिन में करता है ना। मुझे अगर फाइंड करना हो एक दिन में वो कितना काम करता है तो कैसे फाइंड करूंगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है टाइम एंड वर्क की, आपको सबसे पहले फाइंड करना है एक दिन में कितना काम करता है। तो अगर एक पर्सन एक काम को 10 दिन लगाता है, एक काम को 10 दिन लगाता है, तो एक दिन में वही पर्सन वही काम को एक दिन में कितना करता है। मैं ऐसा नहीं बोला हूं पूरा कर लेता है, कितना करता है, वो जो काम है वो 10 दिन का है ना, तो एक दिन में कितना होता है, तो एक दिन में कितना होता है सीधा यहां पे, अगर यहां पे 10 दिन है तो एक दिन में कितना होगा, 1/10 वर्क। 10th नहीं लिखेंगे, 1/10 वर्क। मतलब एक पर्सन 10 दिन में काम करता है एक काम को, और वही वर्क को एक दिन में कंप्लीट करना है, 1 डे में कंप्लीट करना है, तो कितना टाइम लगता है, 1/10 लगता है उसको एक दिन का। तो यहां से हमने क्या सीखा, सपोज वन पर्सन टेक्स 10 days टू कंप्लीट अ वर्क, 10 days, देन मैंने वो नहीं लिखा टू कंप्लीट द वर्क, देन इन 1 day पर्सन विल कंप्लीट 1/10 वर्क। ठीक है, एक दिन में वो कितना करेगा, 1/10 नहीं आएगा, n आएगा, क्योंकि यहां पे हमने क्या लिया हो, एक पर्सन अगर n डेज में काम को कंप्लीट करता है तो एक दिन में वही पर्सन वही काम को कितना करेगा, 1/n काम करेगा। ठीक है, तो ये अगर इसको क्या बोलते हैं पता है, ट्रिक ऑफ इन्वर्टिंग, ये ट्रिक है, लेकिन ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये ट्रिक आपके कॉन्सेप्ट में बैठ जाएगी और आप अच्छे से सम कंप्लीट कर दोगे। सो अभी के लिए याद रख लो कि अगर टोटल नंबर ऑफ डेज दिए हुए तो उसमें से अगर फाइंड करना है कि एक दिन में कितना करना है, तो सिंपल डेज को 1/n कर दो, और वो डेज था ना, तो यहां पर हो जाएगा वर्क। और इसी का रिवर्स कि अगर आपको एक दिन का काम दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 1/n वर्क कंप्लीट करता है, तो उसको पूरा काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 10 days। तो ऊपर जो था वो हम क्या करते थे,
डेज पे से वर्क पे जाते थे, ये वाले पार्ट में क्या हो रहा है, डेज पे से वर्क में जा रहे हैं। अगर आप नोटिस करो तो डेज दिए थे, हम वर्क पे गए, ये पार्ट में क्या कर रहे हैं, वर्क पे से डेज में जाते हैं। ठीक है, यहां पे है एन तो हो जाता है वन बाय एन, और यहां पे है एन, सॉरी यहां पे है वन बाय एन तो हो जाता है एन। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों एक ट्रिक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसी के ऊपर से एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, लेकिन एग्जांपल सॉल्व करने से पहले एक गोल्डन रूल इसका मैं बता दूंगा। गोल्डन रूल क्या है कि सीधी सी बात है कि जनरली जो मिस्टेक्स होती है वो इससे नहीं होगी। गोल्डन रूल ये है कि अगर एक काम जो है वो ज्यादा हो रहा है, काम ज्यादा होता है, कभी भी कोई काम जिस स्पीड से चल रहा हो, सपोज काम की स्पीड बढ़ जाती है, मतलब काम होने की स्पीड बढ़ जाती है किसी भी तरह से, या तो मशीन आ गया, लोग बढ़ गए, आई डोंट केयर, लेकिन काम की स्पीड बढ़ गई तो सीधी सी बात है टाइम कम हो जाएगा, और टाइम कम होगा तो क्या कम होगा, डेज कम होंगे। अब आप पूछेंगे इससे और इसका क्या लेना देना, आगे पता चल जाएगा कि इसका और इसका क्या लेना देना, मैं आपको सही वक्त आने पर बताऊंगा। तो ज्यादा आप काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा और दिन कम लगेंगे, ये एक रूल है। दूसरा, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा काम होगा, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा काम होगा और दिन कम लगेंगे। ठीक है, ज्यादा वर्क होगा तो कम टाइम और कम दिन लगेंगे, लेकिन ज्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियस बात है काम भी ज्यादा होगा और दिन भी कम लगेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वे से सारे बाकी के दोनों डिपेंड करते हैं और ये एक रूल है वो याद रखना। ठीक है, चलो तो अभी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं। तो यहां पे एग्जांपल डिस्कस करूंगा, एग्जांपल काफी जरूरी है और ये पूछे जाते हैं, टाइप वन एग्जांपल इसको आप बोल सकते हो। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इस हिसाब से लिखूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप नोट्स मेरे पास से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी आपको, नोट्स अगर चाहिए तो सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई है, अगर आप कॉपी यहां से नहीं करना चाहते हो तो। सो यहां पे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इफ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए काम करता है कितने दिन में, 12 डेज में, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन होता है, व्हाइल बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज, बी नाम का कोई बंदा है, वही काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 18 डेज में, यहां पे काम सेम है दोनों का। ठीक है, दोनों को सेम ही काम दिया जाता है, इफ दे बोथ वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, अब ये दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। यहां पे मेन प्रॉब्लम आती है कि कैसे ऐसे सम्स को सॉल्व करें, सो यहां पे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं, ऐसे सम की एक ट्रिक कंफर्म है, मैं जो करवाऊंगा वो हर एक क्वेश्चन में, चाहे जितने भी लोग दिए हो यही ट्रिक आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ए का टोटल डेज दिया हुआ है ना 12 डेज, तो अगर मुझे यही पर्सन का वन डे का चाहिए, पूरा काम वो 12 दिन में करता है, एक दिन में वो कितना करता है, 1/12 वर्क, एक दिन की कैपेसिटी ए की कितनी है, 1/12। इसी तरह से अगर मैं बी की फाइंड करूं तो 18 डेज है पूरी, और अगर सेम वही वन डे की बात करूं तो 1/18, ये मुझे कंपलसरी फाइंड करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये कंपलसरी, एक दिन में कितना करता है, डेज टोटल दिए हुए, वर्क कितना है 1/n, एक दिन का, ये वन डे का फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या पूछा है, ए प्लस बी दोनों मिलके अगर काम करें तो कैसे होगा, अब ये तो हम पता नहीं लगा सकते दोनों मिलके कितने दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे, सो ऑब्वियस बात है यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं दोनों एक दिन में कितना काम करते वो तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि एक दिन का काम तो मेरे पास है दोनों का, कितना है 1/12 and 1/18, तो यहां पे मैं लिखूंगा ए एंड बी दोनों अगर एक दिन में, ए एंड बी वन डे वर्क, ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 1/12 plus 1/18, और इसको अगर एलसीएम के साथ अगर सॉल्व करें तो 18 plus 12 divided by 12 into 18, और आई गेस यहां पे आंसर आता है 30/216। ये क्या है, एक दिन का काम, मतलब ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करें वही काम को तो वो एक दिन में कितना काम करते हैं, 30/216।
एक दिन में कितना करते हैं 30/216 वर्क एक दिन में वो करते हैं। और अगर यहां पे आपके पास वर्क दिया हुआ है, ठीक है, पहले दिन दिए हुए थे तो हम वर्क पे चले गए, अभी यहां पे मेरे पास वर्क दिया हुआ है तो डेज पे जाना है। और मेरा क्वेश्चन क्या है, अब मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया, ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो मैं वर्क पे से अगर मैं दिन में जाना चाहूं तो 1/n का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा ना। तो यहां पे अगर मैं डेज पे से जाता हूं, ठीक है, यहां पे मैं अगर इस पे से डेज पे से जाना चाहूं तो पूरा काम कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 216/30 days। डोंट वरी, एक ट्रिक है ये, कोई ऐसा कोई तुक्का नहीं है, लेकिन ये ट्रिक है ऐसे सम्स को कंप्लीट करने की। अगर कॉन्सेप्ट समझने जाओगे काफी टाइम चला जाएगा, तो अभी के लिए समझ लेना, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अच्छे से अंदाजा आ जाएगा। तो 216/30 days इसका आंसर आता है 7.2 days, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो 7.2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ये एक थोड़ा पॉइंट डेसिमल वैल्यूज वाला सम था तो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सम में ये ट्रिक की याद रखोगे, यही ट्रिक याद रखनी है, ये दो चीजें आपको आनी चाहिए और अलग अलग टाइप के सम्स होंगे तो हो जाएंगे। ये मैंने कितने टाइम में सॉल्व किया, ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे सम्स को 2 मिनट लगेगी और प्रैक्टिस कर ली तो 1 मिनट में आ जाएगा। क्योंकि मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट पहले से ही पता हो तो मैं इतनी तो बड़ी, मुझे कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, मैं सीधा क्या करूंगा, यही फॉर्मूला यानी कि 1/12 + 1/18 कर दो और आंसर लेके आओ कैलकुलेटर में डायरेक्ट। जिसको डायरेक्टली ये चीज भी पता हो 18 + 12 / 12 × 18 ये आंसर लिया, खत्म बात। ऐसे आंसर लिया जाता है, इस तरह से ही 1 मिनट में हो जाएगा। हाँ, बाय द वे ये रूल आप लिख लेना, बहुत काम लग सकता है। तो नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी डिटेल्स वगैरह। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नेक्स्ट वीडियोस का वेट करो, नेक्स्ट वीडियोस फटाफट से अपलोड होंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरी वीडियोस का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो कैसी लगी और आगे भी आपको कैसी वीडियोस चाहिए।